गौरव भाटिया जी, अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया है कि ये सियासी कोशिश है आपकी पार्टी की तरफ से कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए ताकि वो प्रचार ना कर पाए 2024 के लिए। आपका जवाब इस पर। अंजना जी, मैं तो ये कहूंगा कि आज बच्चा बच्चा जान गया है कि कट्टर बेईमान पापी आपका कोई कन्वीनर है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये कट्टर बेईमान व्यक्ति है और मैं आपको वजह बताता हूं। मैं अभी संबंध पे आऊंगा, उनकी चिट्ठी पे आऊंगा, आपको विधिक पहलू भी सारे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, 2013 में अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है जिसमें वो जनता से पूछ रहे हैं कि जो भ्रष्ट नेता हो उसको केवल इस्तीफा दे देना चाहिए या उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल जो कभी कहते थे कि आरोप लगने पे इस्तीफा दे दो, आज जो हमारी जांच एजेंसी है जो कानून संगत काम कर रही है उसके समक्ष जाने में थर थर कांप रहे हैं, डर लग रहा है उनको। और डर क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, शराब घोटाले के किंगपिन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं है। और ये बात भी अंजना जी जग जाहिर है, 10.5 महीने हो गए पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल दे रहे थे मनीष सिसोदिया को, वो कट्टर बेईमान निकले और सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और पीएमएलए कोर्ट, सभी न्यायालयों ने उनको बेल नहीं दी। संजय सिंह, इनको बेल नहीं दी, ये 3 महीने से जेल में है। विजय नायर, जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपना बच्चा बता रहे थे विभिन्न लोगों से कि दलाली करूंगा तो अपने बच्चे के हाथ में रुपया रखवा के करूंगा, उसको बेल नहीं दी। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल की ये गैर कानूनी समन है। अंजना जी, पहली बात, अगर ये गैर कानूनी है, मैंने मान लिया, चलिए गैर कानूनी है ना, केजरीवाल जी न्यायालय जाइए। पहला समन जो आपको आया था केजरीवाल जी, वो आए हुए भी आपको 2 माह से ज्यादा का समय हो गया है, आप न्यायालय जाते, ये सारे समन जो आ रहे थे इनको रद्द करा लेते, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ईडी मुझे ये नहीं बताती कि मुझे विटनेस के तौर पे बुला रही है या ये बुला रही है एक्यूज के तौर पे। अंजना जी, क्या आपको मालूम है समन जो होता है ईडी का, ये वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा, वो प्रोफॉर्मा होता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, कानून की नजर में हर कोई बराबर है, उसको ये नहीं बताया जाता है कि भैया तुम ये हो, फलाना हो, इसलिए बुलाया जा रहा है। और एक बात और मैं आपको विधिक जानकारी दे दूं, पूरा देश देख रहा है, कभी कभी ऐसा होता है विटनेस करके बुलाया आपने, आपके मन में सवाल है, पूछना चाहते हैं, 3 सवालों के उत्तर दिए और आपको लगा अरे ये तो आरोपी है, तो ये जांच एजेंसी ईडी के पास भी शक्तियां हैं, प्रदत्त हैं उनमें कि वो अरेस्ट वही कर सकती हैं, इसलिए समन में ये जानकारी होती नहीं है। तीसरी बड़ी बात, अंजना जी, मैं कहता हूं दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दो। अरविंद केजरीवाल को डर क्यों लग रहा है? अगर चोरी नहीं करी, ईडी के समक्ष जाए, सारी बात रख दे और लौट आए। अब ये कौन सा बहाना है कि विपासना योग कर रहा हूं, कभी कहते हैं असेंबली के चुनाव लड़ने जा रहा हूं, वहां स्टार कैंपेनर बने थे, नोटा से कम वोट आए, अब बता रहे राज्यसभा चुनाव में मैं व्यस्त हूं और लोकसभा चुनाव के लिए मुझे रोका जा रहा है। अंजना जी, एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव अभी 2 माह दूर है, ठीक है, मार्च में होते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दे? कौन सी जांच एजेंसी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव के शेड्यूल के हिसाब से चलती है? नहीं अंजना जी, वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, अब वो पिंजरे का तोता नहीं है जैसे कांग्रेस के समय में थी, वो बाज बन गई और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को ये पता है। ठीक है, ठीक है गौरव जी, अब थोड़ा सा रुक जाइए, यही उनका भविष्य। ठीक है जैस्मिन जी, अब आप जवाब दीजिए। सवाल एक बेसिक है, एक ऐसी पार्टी जो तमाम नेताओं पर उस वक्त कांग्रेस पार्टी के गंभीर आरोप लगाती थी, वो ईडी की पूछताछ से आखिर क्यों भागती फिर रही है ये कहकर कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, अगर अरेस्ट गलत होगा तो फिर कोर्ट उसे गलत मानेगा,
और एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, आपकी इजाजत है ना, थोड़ा आपको परेशान कर सकता है ये सवाल, इसलिए पूछ रहे हैं। जैस्मिन जी पूछ लूँ? नहीं नहीं बिल्कुल पूछिए अंजना जी, आपका पूरा हक है, आप मीडिया में, हम बीजेपी के जैसे नहीं है कि बुरा मानते हैं सवाल। याददाश्त पे आपको जोर डालना पड़ेगा क्योंकि 2013 की बात है। मुझे जरूर बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने तब बड़ा आरोप लगाया था शीला दीक्षित पर, बहुत सारे आरोप लगाए थे, उनमें से एक आरोप था कि उनके घर में बहुत सारे एसी लगे हुए हैं, क्या आपको अब याद है? क्योंकि उसको भ्रष्टाचार से उन्होंने जोड़ा था, उन्होंने कहा था कि मेरा कलेजा फटता है कि 40% दिल्ली की जनता झुग्गी में रहती है और उनके घर में इतने सारे एसी लगे हैं, क्या आपको याद है क्या कहा था उन्होंने, कितने एसी लगे हैं शीला दीक्षित के घर में? दो प्रश्न है मेरे। बिल्कुल अंजन जी, पहले मैं शुरुआत में एक दो टिप्पणी भाजपा पे करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के ऊपर कही, लेकिन मैं पहले कह दूं कि आज देश में भाजपा से बड़ी भ्रष्टाचारी और बेशर्म पार्टी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जब देखो विपक्षी पार्टियों नेताओं को भ्रष्टाचार पे नसीहत देते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कतई नहीं देंगे कि देश के जितने भी बड़े दागी नेता थे जो दूसरे दूसरे दलों में थे, हेमंत बिश्वा शर्मा है, नारायण राणे हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, अब छगन भुजबल भी हैं, अजीत पवार भी हैं, इन सारों को आप भाजपा में लेके आते हो और इन सारों के ऊपर जो ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे, नए केस डालना तो छोड़ दीजिए, जो पुराने केस चल रहे थे वो दबा दिए जाते हैं, एक समन्स तक जारी नहीं हुआ। और आप आपकी ये हिम्मत हो रही है कि कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी इन्वेस्टिगेशन से बच रही है? 2 साल से ये इन्वेस्टिगेशन का सामना आम आदमी पार्टी कर रही है, सैकड़ों विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, 1000 से ऊपर रेड हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी खुद सीबीआई के समन्स के जवाब में गए थे, पूछताछ हुई 8 घंटे पूछताछ हुई, तो हमने हर स्टेज पे कॉपरेट किया है। अगर आज कोई इन्वेस्टिगेशन से बच रहा है वो भाजपा है, और भाजपा के कट्टर बेईमान नेता जो सारे एक साथ भाजपा में आ गए और उनको निर्मा वॉशिंग पाउडर से भाजपा ने धो दिया है और अब ये पाक साफ हो गए हैं। आ जाते हैं कि अब ईडी के समन्स का हमने क्यों विरोध किया है। देखिए, हम हर इन्वेस्टिगेशन से कॉपरेट करने के लिए तैयार है अंजना जी, बशर्ते वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। ईडी कोई देश के संविधान से ऊपर नहीं है, आम आदमी और आम नागरिक होने के कारण हमारा क्या, आज मुझे अगर पुलिस लेके जाती है तो मैं जरूर पूछूंगा कि आप किस हैसियत से मुझसे ले जा रहे हो, किस केस में और एज अ विटनेस या एज अ अक्यूज आप मुझे ले जा रहे हो। और अगर इतने बेसिक सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने 2 महीने से जब ईडी का समन्स आया था तो लंबे चौड़े हमने लीगल रिस्पॉन्स भी भेजा है। ईडी अगर बहुत ही उसकी नियत साफ है तो ये 2 पन्ने का जवाब दे देती अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, पूरी तरह से चुप है। इनका मकसद यह है कि बस 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में कभी अरविंद केजरीवाल जी याद नहीं आए, अब लोकसभा के चुनाव सर पे है, पता है उन्हें कि पंजाब और दिल्ली में ये बुरी तरह से हार रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करे तो डालिए उनको जेल के अंदर और फिर विपक्ष मुक्त भारत में लोकसभा चुनाव हो, और यही इनका कारण मेरे ख्याल से आज देश के सामने ये सच उजागर हो रहा है। एसी नहीं बताया आपने कितने थे शीला दीक्षित के? नहीं, अब मैं इस पे आता हूं अंजना जी नहीं देखिए, आज लेट अस नॉट रिवलाइज ये जो कॉन्वर्सेशन है कि घोटाले के ऊपर हो रहा है, बहुत सारी चीजें। अब नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि काला धन भी मैं भगा दूंगा, इन्होंने तो पिछले एक रिवलाइज नहीं है ना, क्योंकि इसी वजह से संदीप दीक्षित भ्रष्टाचार की आज भी कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग। जैस्मिन जी लेट मी मेक अ पॉइंट, इसी वजह से संदीप दीक्षित आज भी आपको एक ऐसी याद आ रहा है, संदीप दीक्षित आज भी अपनी माँ की वजह से कांग्रेस पार्टी की लाइन से 1000 करोड़ के घोटाले का जो आरोप अलग हटकर बोल रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए फिर मैं आपको मौका दूंगी। संदीप दीक्षित आज भी अलग हटकर बोल रहे हैं क्योंकि उनकी माँ की पूरी छवि को दिल्ली में जिस तरह से पूरे आंदोलन के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा गया था, वो मानते हैं कि उनकी माँ की छवि के साथ नाइंसाफी हुई है, वो मानते हैं कि उन आरोपों में कुछ निकला नहीं, वो मानते हैं कि जितने भ्रष्टाचार के मामले लगे थे और कहा गया था कि सब कुछ खुलासा हो जाएगा, उसमें कुछ भी केस तो बना नहीं फाइनली शीला दीक्षित पर, लेकिन अब खैर उनकी मां रही नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो ये मानते हैं कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसलिए ये प्रश्न रेलेवेंट है। जैस्मिन जी, अंजना जी, इन सारे केसेस की क्या इन्वेस्टिगेशन आम आदमी पार्टी सरकार ने करी है? सारी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी तमाम कानून व्यवस्था आप बखूबी जानती है दिल्ली में केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना चाहिए भाजपा के ऊपर कि क्या इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम स्कैम है, सीएनजी स्कैम है, क्या उस पर पूछताछ होने दी या नहीं होने दी? हमारा केवल सवाल यह कि आप जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करिए स्वागत है,
दो साल से शराब कथित शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अंजना जी, एक रुपए तक का सबूत नहीं मिला। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी केस होगा जहां पे हजारों रेड हो चुकी है, एक नए रुपए का सबूत नहीं मिलता है, कोई पुख्ता रिकवरी कोई कहीं होती नहीं है। लेकिन आप क्या आप एक के बाद एक सारे नेताओं को जेल में डालना शुरू कर देते हो? ये मेरे ख्याल से आज देश को समझना चाहिए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ईडी बंद ये पिंजरे में बंद तोता था पहले, अरे आज तोता बाहर निकल गया, लेकिन आंख आपने एक बंद कर दी है तोते की। सत्ता पक्ष में जितने भी दागी नेता हैं उनको तोता देखता ही नहीं है, केवल और केवल विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए आपने ईडी और सीबीआई का काम कर दिया है। और आज ही मेरे ख्याल से देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। एक बार अतुल लौंडे पाटिल बोलने फिर मैं आ रही हूँ आपके पास गौरव पाटिया जी। अतुल लौंडे पाटिल जी, एक समझ तक आपको जारी, अरविंद केजरीवाल जी हिम्मत नहीं है जी, गगन भुजबल पे आप एक समझ जारी करके दिखाइए, हेमंत बिश्वा शर्मा पे एक समझ जारी करके दिखाइए, तब आप मानेंगे कि आप भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आप में हिम्मत है। ठीक है।